अपनी बेहतरीन गायकी और अभिनय के बल पर फिल्मी जगत के साथ ही करोड़ों दिलों पर अपनी छाप छोड़ने वाले महान कलाकार किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर उनके चाहने वाले देश भर से आए प्रशंसक उनके समाधि पर पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। किशोरदा का जन्म 4 अगस्त को खंडवा में हुआ था। बचपन से ही अपने शहर से गहरा नाता होने के चलते वे हमेशा खंडवा को अपने साथ जोड़े रखते हैं और इसी के चलते उन्होंने अंतिम इच्छा जाहिर की थी कि वे कहीं भी मरें लेकिन उनका अंतिम संस्कार खंडवा में हो। और उनकी इसी आखिरी इच्छा के चलते 13 अक्टूबर 1987 को जब मुंबई में उनका निधन हुआ तो खंडवा में उनके शव को लाया गया और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इसके बाद यहाँ पर एक समाधि बनी है जहाँ हर वर्ष उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर देश भर से हज़ारों लोग आते हैं और अपने मनपसंद कलाकार को श्रद्धांजलि देते हैं। आज यानी 13 अक्टूबर को देश के अनेक हिस्सों से उनके प्रशंसक किशोरदा को नमन करने, उन्हें याद करने खंडवा पहुंचे, इंदौर रोड स्थित उनकी समाधि पर गए। यहां पर उन्होंने श्रद्धा सुमन तो अर्पित किए ही, इसके साथ किशोरदा को गीतों भरी श्रद्धांजलि दी। किशोरदा के गाए गीतों का जादू कुछ ऐसा है कि उनके निधन के 36 वर्षों बाद भी पूरे दुनिया में उनके गीत सुने जाते हैं और उनके चाहने वाले करोड़ों हैं। किशोरदा के प्रशंसकों के लिए खंडवा किसी तीर्थस्थल की तरह है और किशोर कुमार की समाधि अपने किसी गुरु या भगवान की तरह, और इसीलिए जब भी वे खंडवा आते हैं तो खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। मैं हूँ झुम 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 झुमरू पकड़ घुम घुम बन के घुमरू, मैं ये प्यार का गीत सुनाता चला। मंजिल पे मेरी नजर में दुनिया से बेखबर, बीती बातों पे धूल उड़ाता चला। रे रे ओढ़ले ओढ़ले री ओढ़ले री ओढ़ले। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों में बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। के सफर में गुजर जाते हैं जो फिर नहीं आते, तो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जी मैं, मेरा नाम अनीता अरोड़ा है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं बचपन से ही प्रशंसक रही हूँ किशोरदा के गीत के लिए। तो मैं, मेरे पास बचपन से ही एक डायरी पेन पहले से ही रखा होता था, रेडियो के पास होती थी, जैसे ही किशोरदा के कोई गाना गीत आता था तो मैं तुरंत लिखने लग जाती थी। तो मुझे बहुत, मतलब एक कहते हैं ना, जुनून है उनकी उसमें और बहुत आस्था है, तो उनके गीत मुझे बहुत पसंद है। आप गाती भी हैं? जी जी, गायिका भी हूँ, मैं कवित्री भी हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पहुँचकर? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे पहली बार, मैं यहाँ पे आई हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।